तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंस्टा मनी एप्लीकेशन में मैंने यहाँ पर लोन विड्रॉ किया था 2000 रुपये का, ठीक है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे हमारे देख रहे हो, 2000 रुपये का इंस्टेंट पर्सनल लोन जो कि मैंने विड्रॉ लगाया था। और आज की इस वीडियो में ये जो 2000 रुपये है मैं रीपेमेंट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आपको वीडियो बना दूँ कि इसका रीपेमेंट हम करते कैसे हैं। देखो भाई, एक बात मैं आपको क्लियर तरीके से बता देना चाहता हूँ, काफ़ी लोगों को एक प्रॉब्लम हो जाती है कि यहाँ पर इंस्टा मनी में आप मैनुअल भी पे कर देते पैसा, लेकिन आपके बैंक से भी किस्त कट जाती है। अब ऐसा होता क्यों है, इस पर मैंने जो है वीडियो बनाया था, लेकिन अगर वो वीडियो आपको नहीं मिला है या फिर नहीं है पता, तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर आप देखो इंस्टा मनी में 12500 रुपये का, ठीक है, 12500 रुपये का लाइन ऑफ क्रेडिट अभी मैंने क्या किया यहाँ पर लिया था, ठीक है। और इसमें से 1999 रुपये मैंने विड्रॉ किया था। अब ये जो है ना, ये मल्टीपल्स ईएमआई में, मतलब 2 महीने के लिए मैंने लिया था, 1075 की मेरी 2 ईएमआई होने वाली थी, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर पूरा अमाउंट एक साथ पे करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि कई लोग को पता नहीं होता तो वो यहाँ पर टिक क्लिक करते हैं। यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपका जो ईएमआई वो पे नहीं होगा, ठीक है। नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है पे ड्यू, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। 3 ऑप्शन का मतलब ये है कि देखो यहाँ पर आप 2150 पे करना चाहते हो, मतलब कि अपना जो पूरा पैसा वो पे करना चाहते हो पे कर दो, या फिर आप यहाँ पर अपना जो ड्यू है वो ड्यू पे कर दो, या फिर अगर आप ड्यू पे नहीं करना चाहते हो तो कस्टम अमाउंट पे कर सकते। कस्टम अमाउंट का मतलब ये है कि आपके पास कितना मनी है, 1000 2000 5000 या फिर 200 रुपया 3 रुपया 4 रुपया जो भी आपके पास पड़ा है वो कस्टम अमाउंट करके आप टुकड़ों में भी ईएमआई को पे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँ भैया, मुझे तो लोन को बंद करना है, तो मैं यहां पर इस पे टिक करूंगा 2150 वाले पे, ठीक है। इस पे हम जैसे टिक करते हैं यहां पर आ गया प्रोसेस टू पे, इस पे आप क्लिक करना है। इस पे आप क्लिक करेंगे, आप यहां पर लिखा है आप नेट बैंकिंग कार्ड के जरिए पे कर सकते हो या फिर आप यहां पर यूपीआई एप्स के जरिए पे कर सकते हो, लेकिन यहां पर मोस्ट रिकमेंडेड इन्होंने यूपीआई ऐप बताए हैं, तो मैं यहां पर यूपीआई ऐप पर टिक रहने दूंगा एंड प्रोसेस टू पे पर क्लिक कर दूंगा। प्रोसेस टू पे पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेमेंट के सारे गेटवे आ जाएंगे, आप जैसा कि देख रहे हो फेरो पे, गूगल पे, ठीक है, नवी, पेटीएम, फोन पे, किससे आप पे करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर फोन पे सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि भैया मैं फोन पे को ज़्यादा यूज करता हूँ। अब यहाँ ये जो है ना फोन पे में चला गया, ठीक है, अब ये रिक्वेस्ट फोन पे में चली गई है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा प्रोसेस है। अब आपको यहाँ पर देखो फोन पे आ जाना है, और फोन पे आने के बाद यहाँ पर आपको पे पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना यूपीआई पिन डालने के बाद कनेक्शन एंड सिक्योरली यहाँ पर जो हमारा पेमेंट जो है ना वो पे हो रहा है, ये पेमेंट हमारा पे हो गया सक्सेसफुल, ठीक है। अभी आप देख सकते हो ड्यू पेड सक्सेसफुल, एंड यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करते ही हमारा जो ड्यू है वो पे हो गया, और एंड हमारी जो लिमिट है वो यहाँ पर इंक्रीज होगी 12500 12500, ठीक है। एंड अब हम इसको जब चाहे एनी टाइम एनी वेयर फिर से विड्रॉ लगा सकते हैं। तो भैया इंस्टा मनी एप्लीकेशन का पैसा इस प्रकार से हम जो है ना इसका रिपेमेंट करते हैं। और जिन जिन भाइयों का जो है लोन चल रहा है वो एडवांस में पैसा पे करते हैं, तो याद रखें अगर आप अपनी ईएमआई को एडवांस में पे करते हैं तो 10 दिन पहले पे करो, ताकि आपका दूसरा एक्स्ट्रा कोई अमाउंट ना कटे, ठीक है। अगर आप 10 दिन पहले पे नहीं करोगे तो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट कट जाएगा, जिससे आपको परेशान होना पड़ेगा। सो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही रहेगा, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट अदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।